ओम शांति। सागर मंथन किया बहुत, अब मानस मंथन करो। सखे अब मानस मंथन करो। रई आत्मचिंतन वाली हो, रई अर्थात मथानी। रज्जु विवेकमयी डाली हो, चले मनन का क्रम अंतर में, लहरे उठे हृदय सागर में। प्रिय अपने ही मनोविकारों से संघर्षण करो। सखे नित्य प्रति संघर्षण करो। असत अशिव को बाहर करके, भव्य विचार जगाकर उड़के, रत्न निकालो सद्गुण वाले, जिसकी त्रुटि में विश्व नहाए। कलमश त्यागो जीवन पद्धति में परिवर्तन करो। सखे अभिनव परिवर्तन करो। शशि सी शीतलता अपनाओ, श्रम की लक्ष्मी को ले आओ। दया क्षमा ममता और सेवा, वितरित करो प्यार की कामेवा। दिव्य गुणों से मानवता का शुभ अभिवंदन करो। सखे आर्थिक अभिनंदन करो। संवेदन की सुधा बहाओ, सबको ही यह अमृत पिलाओ। मानव रहे देवता बनकर, स्वर्ग उतर आए पृथ्वी पर। इस तपते मैदानों को हिमगिरी का नंदन करो। सखे इस जग को नंदन करो। सागर मंथन किया बहुत, अब मानस मंथन करो। सखे अब मानस मंथन करो। रई मथनी किसको बताना है? आत्मचिंतन वाली हो, रज्जु विवेकमयी डाली हो, चले मनन का क्रम अंतर में, लहरे उठे हृदय सागर में। प्रिय अपने ही मनोविकारों से संघर्षण करो। सखे नित्य प्रति संघर्षण करो। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा, क्या करना है तुमको? शक्तिशाली माखन खाना है। कैसे निकलेगा माखन? कैसे निकलेगा? मंथन से। कैसे निकलेगा माखन? मंथन से। शक्तिशाली माखन, शक्तिशाली माखन खाना है तो मंथन भी कैसा होना चाहिए? शक्तिशाली। तो जितना शक्तिशाली मंथन होगा, उतना शक्तिशाली माखन निकलेगा। मंथन से माखन कैसे निकाले, इसकी हम थोड़ी सी चर्चा आज करेंगे। कृष्ण के लिए क्या दिखाया है? माखन खाते हुए क्यों दिखाया है कृष्ण को? उसको पसंद था। और माखन उसको मिला कैसे? संगम पर उसने क्या किया जो उसे माखन मिल गया? उसने मंथन यहां किया। क्या किया ब्रह्मा ने यहां पर? ब्रह्मा ने यहां पर मंथन किया उसके एवज में, परिणाम में उसे सतयुग में क्या मिला? माखन। इसके लिए कृष्ण को दिखाया है क्या खाते हुए? माखन खाते हुए। वो चित्त चोर भी कहा गया और माखन चोर भी कहा गया। माखन अर्थात दिखाया गया कि माखन कैसा है? सफेद है। और ये भी कुछ कुछ कहते हैं कि वो हरेक के घर नहीं जाता था। गोपी किस किस के घर जाता था माखन खाने? उनके घर जाता था जिनका हृदय माखन जैसा है, स्वच्छ है, पवित्र है। संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय कैसा होता है? माखन जैसा। वो सारी गोपियां जो दिखाई है, जन्म जन्म की भक्तिन, जन्म जन्म की योगी तपस्वी महात्माएं, जो उस जन्म में ऐसा दिखाया है कि वो उसके साथ आ गई, क्योंकि उनको उनके भक्ति का फल मिला, जो भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ। वो एक दृश्य उसमें दिखाते हैं रास में, एक एक कृष्ण एक एक गोपी के साथ, और वो लोग घूम रहे हैं, और घूमते घूमते बीच में एक चित्र आ जाता है कि वो गोपी नहीं, एक साधु है।
क्योंकि ये कौन है सारी गोपियां, ये सब ऋषि मुनि है, वन की तपस्विनियां है, जन्म जन्म जिन्होंने हजारों वर्ष तक तपस्या की थी, वो सारी तपस्विनियां। और जब भगवान उनको उनके ऊपर प्रसन्न हुए तो पूछा क्या चाहिए, तो उन्होंने सबने क्या कहा कि जब आप धरती पर आओगे तो हम आपके साथ रहेंगे, हमें आपके साथ रास करनी चाहिए की इच्छा है, इसलिए वो सब गोपी बनकर आती है। यहां तक कि भक्ति मार्ग में तो ये भी कहा जाता है कि वो जो गाय है वो भी कौन है वो भी तपस्विनी है किसी जन्म की, वो भी योगी है, वो सब गाय बनकर आ गए। इसके लिए भगवान दिखाया है, कृष्ण को तो भगवान ही समझा जाता है कि वो ज्यादा समय गोपियों के साथ नहीं, किसके साथ बिताता है, गैयों के साथ, क्योंकि गैया उसे बहुत प्रिय है, गैयों ने थोड़ी ज्यादा तपस्या की थी गोपियों से। और वो करता क्या है, उनके चरणों से उठने वाली धूल अपने पूरे शरीर को लगा लेता है। तो दिखाया गया है कि भगवान को कितना प्यार है भक्तों से। तो कृष्ण को माखन खाते हुए दिखाया है, क्यों दिखाया है, क्योंकि संगम पर ब्रह्मा ने क्या किया था, मंथन, ज्ञान का शक्तिशाली मंथन। तो ज्ञान का जितना शक्तिशाली मंथन होगा उतना ही शक्तिशाली माखन निकलेगा। वो गीत में बताया है, घास खाए गैया और दूध पीवे ग्वाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल। तो घास कौन है, गैया कौन है और ग्वाल कौन है और गोपाल कौन है, तीन लोग हैं इसमें, घास खाने वाली गैया संसार के लोग, दूध पीने वाले ग्वाल भगत लोग, और मक्खन खाने वाले यहां बैठे बाल गोपाल। छोटी छोटी लकुटी, छोटे छोटे हाथ, छोटी सी लकड़ी है उसके छोटे से हाथ है, उसके बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी सखिया मधुबन बाग, रास रचावे मेरो मदन गोपाल। अच्छा गीत है ना, छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी के महावाक्य है कि ये ज्ञान अंधश्रद्धा का ज्ञान नहीं है। बाप जो कहते हैं उसे जज करो, राइट है कि रॉन्ग है। इस ज्ञान को ऐसे ही स्वीकार नहीं कर लेना है, इसमें निश्चय का प्रश्न नहीं, निश्चय तो हो चुका है। अब इस ज्ञान को समझने के लिए इस ज्ञान का क्या करना है, चिंतन करना है, मनन करना है। ये मंथनीय ज्ञान है, चिंतनीय ज्ञान है। तो जब जब हम मंथन करते हैं तो क्या निकलता है, मक्खन निकलता है। तो दो प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे, वो कौन सा मक्खन है जो चिंतन से निकलता है। कृष्ण को 16 कला संपन्न बताया है, तो मक्खन भी 16 प्रकार का है जो चिंतन से निकलता है। सबसे पहला
जब जब हम ज्ञान का चिंतन करते हैं, जब जब किसी पॉइंट का चिंतन किया जाता है, जब जब किसी महावाक्य का चिंतन किया जाता है, जब जब ज्ञान की कोई एक बात का, ज्ञान की कोई एक धारणा का, किसी श्रीमत का, किसी मर्यादा का, किसी नियम का चिंतन किया जाता है, पढ़ना नहीं, लिखना नहीं, चिंतन, तब सबसे पहली चीज होती है ज्ञान की हमारी अवेयरनेस, मन में ज्ञान का जागरण होता है। रोज पढ़ रहे काम महाशत्रु है, काम महाशत्रु है, काम महाशत्रु है, काम महाशत्रु है, परंतु चिंतन नहीं हो रहा है, जागरण नहीं होता है। मुरलियों में आया है, जरूरत पड़े तो झाड़ू पोछा करो, पर इस विष को ना पीना। इसलिए मंथन का बहुत 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 महत्व है इस ज्ञान मार्ग में। मुरलियां पढ़ना, मुरलियां लिखना, ये प्रथम और द्वितीय सोपान है। आगे की सीढ़ी है मंथन। तो मंथन से जो सबसे पहली बात होती है वो है ज्ञान की जागरूकता। जैसे एक लेक्चर चालू है डायबिटीज पर, सब लोग बैठे सुन रहे हैं, पब्लिक टॉक, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। फिर टॉक पूरा हुआ, वहां पे ब्लड चेकिंग हुई, एक व्यक्ति को पता चला मेरा शुगर 500 है, 500, अभी तक कुछ भी पता नहीं था। फिर पता चला दूसरा क्लास वापस है, कल है, अब दूसरे दिन बैठा है वो, पर अब वो अलग तरीके से बैठा है। पहले दिन भी बैठा था तब उसको लगता था ये दूसरों को है बीमारी, मुझे थोड़ी है, आराम से बैठा है, कभी याद देख रहा है, कभी मोबाइल देख रहा है, कभी कुछ कर रहा है, इसलिए इतना ध्यान नहीं है। पर जब उसको पता चला क्लास के बाद, जब चेकिंग हुई वहां, तो मुझे ही है। और फिर पता चला नेक्स्ट क्लास कब है, तो पता चला दूसरे दिन है। अब दूसरे दिन सबसे पहले सामने आके बैठा, एकदम ध्यानपूर्वक। क्यों? क्यों? क्योंकि अब जागरण आया है। कल की मुरली भी थे, बाबा से पूछते हैं महारथी क्या है बीमारी हमको, अंदर से जलते रहते हैं, गलते रहते हैं देवभान के कारण, दिखाते नहीं पर चुपके से रखते हैं अपने, आ गए अंदर से देवभान की। तो चिंतन करने से क्या होगा, कोई भी एक महावाक्य उठाओ मुरली से, कहीं पर भी, कहीं से भी, और उसकी गहराई में जाना है। जब तक चिंतन नहीं, जब तक मंथन नहीं, माखन नहीं निकलेगा। और सबसे पहला माखन क्या है जो निकल रहा है, ज्ञान का जागरण हो जाता है मन में, समझ में आ जाता है कि ये है। अब तक कुछ समझ में नहीं आया था, अब तक खाली सुन रहे थे और ऐसा लग रहा था ये मेरे लिए नहीं है, दूसरों के लिए। और दूसरा कोई मिल भी गया तो उसको ये भी कह देते हम कि आज की मुरली पूरी तुम्हारे ऊपर चली है, ये खास तुम्हारे लिए आज की मुरली, तुमको नींद आती है ना अमृत वेला, देखो बाबा ने आज क्या बोला, आंखें फाड़ फाड़ के बाप को देखो, आंखों में तेल डाल दो, खास तुम्हारे लिए ही था शायद। दूसरा, चिंतन करते करते, मंथन करते करते हमारी बुद्धि विशाल हो जाती है। क्या होता है, विशाल, ब्रॉड हो जाती है, बहुत व्यापक, बृहद। सोचने का नजरिया, देखने का नजरिया भी इतना है। और जैसे जैसे चिंतन करते जाते, और चिंतन छोटा छोटा करना है, एक दिन में सारा चिंतन नहीं होता, इतना विशाल ज्ञान है, रोज थोड़ा थोड़ा चिंतन करना है। पहाड़ है इतना बड़ा, क्या करे ये चींटी, थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा इसको। जैसे हमें अपने कमरे की सफाई करनी है, ठीक है, हम सोचते हैं आज पूरा दिन लगा देते हैं, पर वैसा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करना है।
एक एक प्लानिंग करनी है कि आज ये जूते को ठीक करेंगे सारे, दूसरे दिन ये अलमारी ठीक करेंगे, तीसरे दिन ये कपड़े वाला ठीक करेंगे, चौथे दिन ये करेंगे, रोज थोड़ा 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 ये क्रम चालू रहे। हर दिन थोड़ी थोड़ी सफाई करनी है, रोज थोड़ी थोड़ी सफाई करनी है रोज, क्योंकि एक ही दिन करेंगे तो एक दिन तो ऐसा जोश आ जाता है कि पूरा दिन की सफाई कर ली, पर फिर उसके बाद 6 महीने कभी देखा ही नहीं। इसके लिए सफाई करने का बेस्ट नियम क्या है, थोड़ा 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 थोड़ी थोड़ी सफाई करनी, एक साथ सारी नहीं करना है, 15 दिन के कपड़े एक साथ ही धो लो, अरे रे देख कर ही टेंशन आता है, रोज थोड़ा थोड़ा। एक दिन फ्रिज की सफाई, एक दिन बर्तनों को ठीक करना है कहां कहां पड़े हुए, हर दिन टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा, चिंतन भी सारा एक साथ कर लेता हूं आज सारी मुरलियों का, एक अव्यक्त वाणी है पूरा इसको आज तो थोड़ा थोड़ा चिंतन रोज करना है, क्योंकि सारी पॉइंट्स आफ्टर ऑल जुड़ी हुई है, एक पॉइंट दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ जाएगी आगे चल के, और जो चिंतन किया वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा, वो आगे के टॉपिक में कहीं ना कहीं काम आएगा। जैसे किसी को टॉपिक दिया और वो हुआ ही नहीं क्लास, देखा मेरा टाइम वेस्ट हो गया ना, टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, वो जो चिंतन किया हुआ है आगे जाके कहीं ना कहीं काम आ जाएगा, जुड़ जाएगा कहीं ना कहीं, इसके लिए वेस्ट कुछ भी नहीं है, इसके लिए चिंतन करते रहना है रोज। तो सबसे पहला बताया ज्ञान का जागरण, दूसरा बताया बुद्धि जो है वो क्या हो जाएगी, विशाल हो जाएगी, तीसरा एकाग्रता की शक्ति बढ़ जाएगी, चिंतन से क्या होगा, तीसरे प्रकार का मक्खन, या फिर ये मक्खन खाने से ये चीजें होगी ऐसा भी कहा जा सकता है। एकाग्रता कॉन्सेंट्रेशन पावर क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, थोड़ा सा पढ़ो याद, थोड़ा सा पढ़ो ग्रहण कर लेगी बुद्धि, क्योंकि यहां दो ही प्रकार की आत्माएं हैं संसार में, एक वो जो फोकस्ड है, एक वो जो फोकस नहीं है। यहां ये नहीं है कि ये ज्यादा बुद्धिमान है ये कम बुद्धिमान है, इसकी बुद्धि बहुत अच्छी है इसकी बुद्धि कम है, इसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, क्या खाते हो इसकी मेमोरी, हमको तो याद ही नहीं रहता, कुछ भी याद नहीं रहता है, कैसे याद नहीं रहता है, घर में लिया हुआ बर्तन की कीमत याद है, वो सारी जो उसको दी थी वो याद है, एक एक चीज याद है, चप्पल कितने की ली थी वो उसकी कीमत याद है, और मुरली याद नहीं है, क्यों, फोकस है उधर, इधर फोकस ही नहीं है। तो क्या होता है, तीसरी बात, मंथन से एकाग्रता बहुत ज्यादा बढ़ती है, इसलिए रोज की मुरली से कम कितने टॉपिक निकालने चाहिए, हर एक को व्यक्तिगत पुरुषार्थ है हर एक का अपना, रोज की मुरली से कम 5 टॉपिक्स तो निकालने ही है, और जिसका सारे दिन भर चिंतन करना है, और चिंतन करने का समय गाड़ी के लिए वेट कर रहे चिंतन करो, भोजन कर रहे चिंतन करो, यहां से कहीं जा रहे ट्रैवलिंग में है चिंतन करो, अकेले बैठे हैं कुछ काम नहीं है चिंतन करो, मधुबन से कमरे तक जा रहे चिंतन करते करते जाना, अलग से किसी को कहीं टाइम नहीं मिलने वाला है कि मुझे आज छुट्टी चाहिए, चिंतन सेवा बहुत कर ली, ऐसा कभी नहीं होगा, जो दिनचर्या है जैसी दिनचर्या जो जहां रहता है जिस वातावरण में रहता है जिन लोगों के साथ रहता है जिनको चिंतन से एलर्जी है ऐसे लोगों के साथ रहता है उन लोगों के बीच में मन के बीच मन के अंदर चिंतन करते बैठना है। इसलिए रोज की मुरली टॉपिक्स टॉपिक्स ही लिखने हैं बस, पॉइंट्स बहुत लिख लिए, पॉइंट्स लिखना बंद, पॉइंट्स लिखना ही नहीं है अभी, बहुत लिख लिए पॉइंट्स, केवल टॉपिक्स लिख के रख देना बस सुबह सुबह सुनते सुनते, और फिर बीच बीच में निकालने उनको, अच्छा ये है अभी अभी मुरली में था विकारी धंधा बंद करो, अभी अभी मुरली में था एक समय आएगा गवर्नमेंट के हाउस में तुम्हारा
म्यूजियम होगा, तो ये एक पॉइंट हो गया। ऐसी क्या क्या भविष्यवाणी की है, सारी लिस्ट निकालो भविष्यवाणियों की। कल की मुरली, बात मत पूछो, कितनी बार आया, कितनी बार आया, तीन चार बार आया, वो टॉपिक है। बात मत पूछो, भगवान कहां कहता है बात मत पूछो, उसको अलग से निकाल दो और फिर दिन भर सोचो। तो तीसरा एकाग्रता, चौथा डाउट्स सारे क्लियर हो जाते हैं चिंतन से, डाउट्स संशय या संदेह, ये पॉइंट क्लियर नहीं है, वो पॉइंट क्लियर नहीं, इसमें ऐसा कहा, उसमें वैसा कहा, ये क्या है, समझ में नहीं आता है कई बातें, और किसी को पूछो तो और ज्यादा कंफ्यूज कर देते क्योंकि एक की ना मिले दूसरे से, हर एक के विचार अपने अपने। जैसे एक भाई ने हमको कहा था कि ऑस्ट्रेलिया कैसे बना, सतयुग त्रेता में तो था नहीं, तो ये बना कैसे, वहां से चालू कैसे हो। तो उसने कहा ऐसा हुआ था कि देवता एक बार पुष्पक विमान लेकर पिकनिक करने ऑस्ट्रेलिया में गए, फिर पेट्रोल खत्म हो गया, द्वापर युग चालू हो गया, वो वहीं रह गए, तो ऑस्ट्रेलिया बन गया वो लोग वहीं पे वो भी हो सकता। तो ये कोई सत्य तो है नहीं, उसका अपना चिंतन है, उसने अपना चिंतन करके ये निकाला कि ऐसे ऐसे हो गया, तो अभी क्या करे। तो जो भी है, पर वो व्यक्ति का विचार सागर मंथन है, वो कोई भगवान ने कहा हुई कही हुई बात नहीं है। तो हर एक अपने अपने विचार है, हर एक के जितने मुख जितने दिमाग उतने उतना चिंतन है। तो अपनी घोट तो नशा चढ़े, यहां पर हमको अपना चिंतन करना है, बोरोड फिलॉसफी, उधार का चिंतन, पहले पहले मदद लेनी है, फिर धीरे धीरे चिंतन खुद ही करना है। तो क्या होता है, चिंतन से डाउट सारे क्लियर होते हैं। चौथा पांचवा अनुभव, चिंतन से क्या होता है, अनुभव में मदद मिलती है, एक्सपीरियंस। केवल ज्ञान पढ़ने से कुछ नहीं होता है, सोचने से कुछ नहीं होता है, चिंतन करना है। सोचना अर्थात ये सागर है, सोचना अर्थात तैरना, चिंतन करना अर्थात डूबना। क्या करना है, तैरना है कि डूबना है। बाबा ने उस दिन मुरली में था ना, ऊपर ऊपर क्या मिलेगा, मछलियां मिलेगी खाली, नीचे जाना पड़ेगा। ऐसी दो तीन मछलियां मिल जाएगी यहां पर ऊपर ऊपर, तुमको क्या करना होगा, डूबना होगा। मैं गोताखोर मुझे गहरे जाना होगा, तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो, मैं पहला खोजा नहीं अगम भव सागर का, मुझसे पहले कितनों ने इसको था, पर मुझ में उनमें भेद यही, मैं उस गहरे मोती का आशिक हूं, जो मिला नहीं उसे पा लेने की धुन मेरी, कांटे रोंदूंगा अपनी राह बनाऊंगा, तुम फूल भरी डगर की बातें किया करो। मैं गोताखोर मुझे गहरे जाना होगा, तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो, तो मुझे गहरे जाना है, बहुत गहरे। गहराई में क्या होता है, भगवान के महावाक्य, शांति होती है, घबराहट खत्म हो जाती है। घबराहट कहां होती है, ऊपर ऊपर, यहां बहुत घबराहट होती है, आवाजें होती है, यहां पे सागर के नीचे जाके बैठ जाओ, शांत प्रशांत। तो ज्ञान से क्या होता है, चिंतन से, मनन से, मंथन से एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, गहरा अनुभव। नहीं तो योग कर रहे, योग कर रहे, पर उसमें अनुभव नहीं होता है। ज्ञान पढ़ रहे, मुरलियां पढ़ रहे, पर कोई अनुभव नहीं है, वो जैसे अलग है, हम अलग है, डिटैच है हम उससे। उसके बाद में अगली बात, ज्ञान सुनाने की विधि या जो तरीका है उसमें वो बहुत प्रभावशाली हो जाएगा, क्योंकि हमने उस पर चिंतन किया है और उसके बाद सुना रहे। एक है सुना 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 रहे, जैसे किसी को कहा कोर्स कराओ, तो वही विधि है कोर्स कराने की, उसमें हम अपना चिंतन कुछ भी ऐड नहीं कर रहे, बस वैसे के वैसे ही सुना रहे, ये सतयुग ये त्रेता ये द्वापर ये कलयुग, अभी संगम युग है, चलो आगे, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट चैप्टर।
चिंतन करना ये अर्थात ये नहीं कि हम उसमें कुछ ऐड कर रहे पर उसकी गहराई में जाके उसको सोच रहे। तो ज्ञान सुनाना, ज्ञान देने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो कैसी हो जाएगी? शक्तिशाली, प्रभावशाली हो जाएगी, क्योंकि ज्ञान में स्पष्टता आ गई है, सुनाने में स्पष्टता है। अगर हम ज्ञान सुना रहे बीच में अचानक कोई प्रश्न पूछ लेता है तो गए काम से। जैसे कोई स्टूडेंट है, उसको कहा उसको एक भाषण देना है 15 अगस्त का, वो पूरा याद करके जाता है और वैसे के वैसे सुना देता है, और बीच में अगर उसने किसी ने रोक दिया और पूछा ये क्या, तो गया, अब आगे का भी भूल गया गया सब कुछ गया। तो ज्ञान सुनाने का तरीका इसमें क्या हो जाएगा? शक्तिशाली हो जाएगा। उसके बाद में अगला, हेल्दी बन जाएंगे। चिंतन से क्या होता है? स्वास्थ्य लाभ होगा। कौन सा स्वास्थ्य लाभ? आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ, मानसिक स्वास्थ्य लाभ और भावनात्मक स्वास्थ्य लाभ। इमोशंस स्टेबल हो जाएंगे, नहीं तो छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब होने का स्वभाव है। इंटेलेक्चुअल हेल्थ आएगी। इंटेलेक्चुअल हेल्थ अर्थात जो हमारा बुद्धि का स्तर है वो थोड़ा सा मैच्योर हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा। छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब नहीं होंगे जैसे पहले होते थे डिस्टर्ब, थोड़ा सा कुछ हो गया डिस्टर्ब, थोड़ा सा कुछ हो गया डिस्टर्ब। चिंतन करने से वो डिस्टर्बेंस खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम उस लास्ट टाइम जो डिस्टर्ब हुए थे वो सोच रहे क्यों डिस्टर्ब हुए थे, क्यों ज्ञान की कोई पॉइंट वहां यूज नहीं की, कौन सी पॉइंट यूज कर सकते थे। किसी ने कुछ बोल दिया और हम डिस्टर्ब हो गए और 4 दिन अगले डिस्टर्बेंस में चले गए, सोचते सोचते इसने ऐसा बोला ही क्यों, मेरे में तो ऐसा है नहीं, फिर भी इसने ऐसा क्यों बोला, ऐसा आखिर इसने क्या देखा होगा जो मेरे बारे में ऐसा बोला, मेरा तो ऐसा कुछ है नहीं। ये डिस्टर्ब होते 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 पता नहीं उसके विरुद्ध षड्यंत्र बना रखा तो चिंतन को प्रयोग नहीं किया है यहां पर, यहां व्यर्थ चिंतन में चले गए। और कल की मुरली में क्या कहा था बाबा ने, संकल्प से व्यर्थ संकल्प बाप को दे दो, इसमें हिम्मत चाहिए। तो विचार सागर मंथन करने से, जर्निंग से, चिंतन से, मनन से क्या होंगे? बहुत शक्तिशाली होंगे, स्वास्थ्य लाभ होगा। आध्यात्मिक कल की मुरली में था रूहानी माइट, कल की मुरली की शुरुआत साकार, तुमको यहां क्या मिलती है? रूहानी माइट। और तुम कौन हो? बहुत बड़े पैगंबर हो। क्यों? क्योंकि बहुतों को पैगाम देने वाले क्या बन जाते हैं? बड़े पैगंबर बन जाते हैं। उसके बाद में जितना जितना हम चिंतन करते जाते हैं उतना उतना नशा चढ़ते जाते हैं। पढ़ने से इतना नशा नहीं चढ़ता है केवल, नशा किसे चढ़ेगा? चिंतन से, मंथन से, पीने से। पीबत राम रस, कबीर कहता है ये राम का जो रस है ना मैं पीता हूं। मुरली किसकी चीज है? पीने की चीज है, अमृत है ना, वो पीते रहना है उसको, चुस्कियां ले लेके पीते रहना है, धीरे धीरे पीना है, एकदम नहीं पी लेना पूरा। जैसे कोई गार्डन में बैठा है व्हीलचेयर पर, व्हीलचेयर नहीं वो रिक्लाइनिंग चेयर होती है ना आराम वाली, और वो पेपर पढ़ता है तो थोड़ा सा कप उठाता है पीता है, फिर रखता है, फिर पढ़ता है, फिर पीता है, फिर पीता है, ऐसे पीना चाहिए, थोड़ा 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 सा चिंतन। और चिंतन, और एक बात, चिंतन के विषय में एक साथ सारा चिंतन नहीं कर देना है, ब्लॉक हो जाता है इधर, फिर थोड़ा थोड़ा चिंतन कर, थोड़ा था टुकड़ा टुकड़ा, और अलग अलग टॉपिक पर एक ही टॉपिक पकड़ लिया। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, आज पूरा इस एक घंटा चिंतन करता हूं, एक घंटा स्टूडेंट लाइफ, स्टूडेंट लाइफ बेस्ट लाइफ, बेस्ट लाइफ क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, सोचते गए सोचते गए सोचते गए, थोड़ी देर के बाद ब्लॉक। अब आगे क्या करना है? फुल स्टॉप। इसलिए थोड़ा सा चिंतन करना और छोड़ देना, इंटरमिटेंट चिंतन चाहिए, टुकड़ा टुकड़ा। जैसे से थोड़ा चिंतन किया फिर सेवा में लग गए, सेवा से फारिग हुए फिर से थोड़ा सा चिंतन किया, फिर थोड़ा समय मिला फिर थोड़ा चिंतन। पहली फुर्सत में चिंतन चालू करना है, जब भी फुर्सत मिले तब तुरंत चिंतन की प्रक्रिया को टू बी कंटिन्यूड करके छोड़ना और फिर वापस चालू करना, आधा आधा करना, टुकड़ा टुकड़ा, किश्तों किश्तों में, इंस्टॉलमेंट में करना थोड़ा थोड़ा।
थोड़ा सा किया छोड़ दिया, थोड़ा सा किया छोड़ दिया। जैसे मुरली चली, मुरली पूरी हो गई, अब सीधा हमने केवल वरदान देखा, ड्रामा, बस उतना ड्रामा, और नाश्ते तक जाते जाते ड्रामा के बारे में सोचते रहे और छोड़ देना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक लेना, कुछ तो और टॉपिक ले लिया, फिर उसका चिंतन करते करते आगे गए और फिर छोड़ दिया उसको। जैसे आज की मुरली में है, दादी से मुलाकात, वाह रे मैं, नशा रहना चाहिए तुमको। दृष्टि मिली है जगदीश भाई से मुलाकात, संजय नाम, संजय के बारे में सोचना है, संजय क्या था, कौन था, चिंतन करना है। पार्टियों से मुलाकात, डबल लाइट, अर्थात जो सदा कैसे रहते हैं, मौज में रहते हैं, और जो भारी है, जो बोझ में है, वो मूंजते हैं। टॉपिक ले लिया, पूरा अंदर का क्या है पता नहीं, बस लाइट, मौज और मूंज, इतना ले लिया और चिंतन करते करते निकल जाना। अब जब चिंतन ब्लॉक हो गया, छोड़ दो उसको, हटाओ, बिल्कुल हटा दो, जाना ही नहीं अभी उसके गहराई में, अब दूसरा ले लो। जैसे मधुमक्खी होती है ना, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, ये शहद के ऊपर वहां बैठी, पराग लिया, अब बोर हो गया, इसको छोड़ो, दूसरा लो। और जो छोटा हुआ चिंतन है, वो अगली बार कहीं ना कहीं फिर जुड़ेगा अगले टॉपिक के साथ, एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से जुड़े। इसके लिए एक साथ, एक ही दिन में कई सारे टॉपिक्स पर चिंतन करते रहना है, अलग अलग समय पर, तो क्या होगा, चिंतन से नशा। रूहा बाप से ले लो, फिक्र बाप को दे दो, यह है बेफिक्र बादशाह जीवन। संसार को भी पसंद है बेफिक्र बादशाह लाइफ। कितने हो गए, फिर चिंतन करते करते क्या होगा, खुशी का अनुभव होगा, आनंद का अनुभव होगा। एक ऐसी खुशी है ये चिंतन की, क्योंकि इसमें हम देहभान में नहीं है, देहभान से ऊपर उठे, क्योंकि हमारा आनंद इस समय चिंतन में, विचारों में है। एक है आनंद शरीर में, अपने शरीर में आनंद, शरीर के इच्छाओं को तृप्त करने में, खाने में, कुछ पीने में, कुछ देखने में, कुछ सुनने में। चिंतन करना ये निराकारी अवस्था है, चिंतन करना ये निराकारी, और इसमें इंद्रियों की सहायता नहीं है। पांच इंद्रिय, हम हाथ से कुछ कर रहे हैं चिंतन में, या आंख से कुछ कर रहे हैं, या नाक से कुछ कर रहे हैं, या कान से कुछ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। अति इंद्रिय अवस्था है चिंतन। इसके लिए क्या होता है, इससे खुशी, आनंद, जॉय की प्राप्ति होती है, बहुत मन गदगद होने लगता है एकांत में बैठकर चिंतन करने से। उसके बाद में ज्ञान की गहराई, नॉलेज की डेप्थ पता चलती है। अब तक तो ऊपर ऊपर तैर रहे थे केवल, ज्ञान की गहराई का पता ही नहीं था कि चिंतन भी करना होता। अभी तक सेंटर पे गए, मुरली डायरी खोली, महावाक्य, प्रश्न उत्तर, डायरी बंद, डोलना चालू, फिर मीठे मीठे सिक्की लदे में वापस डायरी उठाई, महानकली मुख्य सार एक दो, वरदान ऊपर का खाली, बीच का छोड़ा, फिर स्लोगन, डायरी बंद, ओम शांति, कारोबार खत्म, कल मिलेंगे। और सबने देखा मैं क्लास में था, तो इसके लिए सुरक्षित हो, अब कोई कुछ बोलेगा भी नहीं, नहीं तो लोग बोलते थे तुमको माया ने खा लिया क्या, कहां थे, इज्जत का सवाल है। यहाँ पे हमारे पास एक बहन थी बहुत सालों पहले, वो कहती थी आज मुरली में जाना बहुत जरूरी है। कि मैं क्यों, नहीं तो ये सब लोग ना बोलते माया ने तुमको खा लिया, डर डर के जाना पड़ता है इधर। तो क्या होगा, चिंतन से ज्ञान की गहराई का पता चलेगा। जो पॉइंट उसको ऐसे ही छोड़ के रखा था, सोचा नहीं था कभी, उसकी गहराई का पता चलेगा, कितना डेप्थ है उस पॉइंट में। जैसे एक मुरली में बाबा ने कहा है, ब्राह्मणों को विल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए मरने से पहले, मरने से पहले हमारे पास पैसा बहुत है, ठीक है, हम मर रहे, मरनासन्न है, तो विल लिखनी चाहिए कि नहीं लिखनी चाहिए, क्यों, कोई उसका गलत प्रयोग ना कर ले हमारे जाने के बाद। कोई ये नहीं कह सकता तो मुझे तो कोई परवाह नहीं है, ऐसा नहीं। बाबा ने कहा यहां बुद्धिमान बनना है, विल करके जाना है, क्योंकि योग्य हाथों में जाना चाहिए ये पैसा जो मेरे पास है, यज्ञ में उसका उपयोग होना चाहिए,
ऐसे नहीं मर गए और चारों बेटे निकम्मे, हमने इतनी मेहनत से कमाया था सब कुछ ये सोच के कि बाबा की यज्ञ में लगाएंगे, और बीच में अकाल मृत्यु हो गई और वो सारा धरा के धरा रह गया और सबने कब्जा कर लिया, गया इसने कहा बाबा ने ये भी कहा है। तो ये चिंतन की बात है, नया पॉइंट है ना। तो ऐसे पॉइंट्स मूल्यों में आते रहते, मैं उनसे प्यार करता हूं जो मुझे बहुत याद करते, मैं उनसे भी प्यार करता हूं जो मुझे याद नहीं करते, क्यों? क्योंकि मुझे सबको साथ ले जाना है। न्यू पॉइंट, चिंतन का पॉइंट। उसके बाद में अगली बात लाइटनेस, हल्कापन आता है ज्ञान चिंतन से, मन में जो भारीपन है ना व्यर्थ से व्यर्थ भारी कर देता है, सोच सोच के ये लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों बोलते हैं, मैं तो कितना अच्छा हूं। ये इन्होंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए, सोच सोच के भारी हो जाते हैं। ज्ञान चिंतन ज्ञान मंथन क्या करेगा, हल्कापन लाएगा, एकदम उड़ा देगा, क्योंकि ज्ञान से हल्की वस्तु इस संसार में कुछ भी नहीं है, बहुत हल्का है ज्ञान। कोई कहता है चिंतन से हम भारी हो रहे हैं, अर्थात ज्यादा ज्ञान वगैरह कर रहा ना तो भारी हो जाता है। कई हमारे ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं, माताएं आती है कहती है ज्यादा योग करने के बाद सिर भारी हो जाता है, इसकी कोई दवाई दो। हफ्ते में एक माता तो आती है जो कहती है कि इतना योग लगाया कि एकदम सिर दर्द होने लगा, फिर तेज सिर दर्द, पांडव वन में इंजेक्शन लिया, अभी इधर आने के लिए लिखा है आपको मिलने के लिए, बोल रहे ये कैसा योग है जिसे दिमाग ही भारी हो जाता है, सिर दर्द चालू हो जाता है योग लगाते लगाते, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, ना तो अनुभव हो रहा है ना तो ज्ञान का बेसिस ही नहीं है, खाली योग कर रहे, ज्ञान को छोड़ा हुआ है, बिना चिंतन के योग चल रहा है, और वही योग चल रहा है। 10 साल पहले कमेंट्री सुनी थी, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मुझसे शांति की किरणें फैल रही है, वो जो सुना था तब से लेकर अब तक वही चालू है, उसमें जरा भी नवीनता नहीं। उसके बाद में अगली बात मेडिटेशन, चिंतन से योग में मदद मिलेगी, क्योंकि पहले से चिंतन किया हुआ है और फिर योग में बैठते तो अपने आप बुद्धि एकाग्र हो जाती है, अशरीर हो जाते, पहले से चिंतन नहीं है व्यर्थ में है बुद्धि, और फिर योग में बैठते तो योग में सारा याद आता है, पुराना याद आता है, 10 साल पहले की बात अपने आप याद आती है। जैसे रात में व्यक्ति सोने जाता है तो फिर खुजली चालू होती है ना, दिन भर खुजली होती नहीं है, खुजली की जिसको बीमारी है, शांति से रात में जब बैठता है खुजली चालू होती है, कोई भी पेशेंट को तो खुजली कब ज्यादा होती है, रात को, क्यों फ्री हो गए, दिन भर तो याद ही नहीं रहा, वैसे ही सारे दिन भर सेवा कर रहे, एकदम शक्तिशाली सेवा, और फिर योग में जब बैठे तो याद आ रहा है उसने मुझे ऐसा कहा था, अरे ये कहां से याद आ गया, ऐसे ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जिनका अभी कोई संबंध नहीं है, जीवन में चले गए, जो बीत गए वो ही दिखाई दे रहे, 10-10 साल पुरानी बातें याद आ रही है जिसका अभी कोई मतलब नहीं है, वो सारा दबा हुआ मलबा बाहर निकलता है योग में। इसलिए दिन भर चिंतन अगर चलता रहे तो योग भी कैसा होगा, शक्तिशाली। उसके बाद में 14वीं नवीनता, चिंतन से क्या आएगी, जीवन में नवीनता आएगी, न्यूनेस, एकदम सब कुछ नया दिखने लगेगा, ये ज्ञान भी नया लगने लगेगा, अच्छा ऐसा कहा, ऐसा देखना है ज्ञान को, कैसे देखना है, ओहो कैसे, नया लगने से, अच्छा अब समझ में आया, इतने समय के बाद 10 साल से सुन रहे थे और लिख रहे थे, आज तक समझ में नहीं आया। जैसे एक माता आई थी 40 साल से ज्ञान में, तो वो कह रही थी मुझे कुछ दिखता ही नहीं है, बोला क्या क्या देखना है, बोले सबको दिखता है सूक्ष्म वतन परम धाम, मुझे दिखता ही नहीं है, मैं क्या करूं, मेरा योग ही नहीं लगता, मुझे दिखता ही नहीं है, बस एक ही रट, मुझे दिखता नहीं। हमने कहा कुछ देखना है ही नहीं, बिचारी इतनी दुखी थी, उसने कहा अच्छा कुछ देखना ही नहीं है, तो सबको भी नहीं दिखता है, मैंने कहा किसी को ही नहीं दिखता है, उसको लग रहा था सबको दिखता है मुझे नहीं दिखता, क्या मैं क्या करूं, मुझे दिखता ही नहीं कुछ, सूक्ष्म वतन में दिखता नहीं,
हमने कहा था कुछ भी देखना नहीं है। तो क्या होगा, ज्ञान चिंतन से नवीनता आएगी, चिंतन में, जीवन में, सब चीजों में नवीनता आएगी, सब हर बात में नवीनता आएगी। उसके बाद में 15वीं पॉइंट, श्रीमत का पालन कर रहे इसका संतोष अंतर होगा, क्योंकि चिंतन करो ये बाबा की आज्ञा है, श्रीमत है, मर्यादा कहो, इसका एक बहुत गहरा संतोष आएगा कि आज की जो मुरली चली, हमने सारा दिन भर इसको उगारा है, हमने सारे दिन भर इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचा है। जैसे कल कहा था ना, खबरदार रहो, कल कहा था कमाई हो रही है तुम्हारी, हमेशा खुशी में रहो, कितनी अलग अलग पॉइंट्स अलग अलग जगह पर थी। मौलाई मस्ती में हो, मौलाई मस्त हो, तो नवीनता। और लास्ट पॉइंट, शक्ति, आत्मा क्या बन जाएगी, पावरफुल बन जाएगी। ज्ञान आत्मा को पावरफुल नहीं बनाता है, ज्ञान का चिंतन आत्मा को पावरफुल बनाता है। तो ऐसी ये 16 बातें हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि चिंतन कैसे करे, मंथन कैसे करे, उसकी कम से कम 10 स्टेजेस है। सबसे पहला एक टॉपिक ले लो, सबसे पहला क्या कर लो, एक टॉपिक, कोई भी टॉपिक ले लो। सुशील भाई 3-4 टॉपिक बता दो अभी, अभी कल की मुरली से साकार वाली। हाँ कल, कल सुबह साकार। अच्छा परसों का बता दो, कल एक दिन छोड़ दिया आपने, मधुबन से नहीं। टॉपिक केवल 2 शब्दों का होना चाहिए या 1 शब्द का, लंबा लंबा टॉपिक नहीं चाहिए, छोटा शब्द। और नो कंप्लेंट ऑल इज वेल, ये जैसे टॉपिक है नो कंप्लेंट, ये टॉपिक ले लिया। तो सबसे पहले क्या करना है, मुरली से टॉपिक निकालना है। सुबह बैठे हैं मुरली सुन रहे, खाली अपनी डायरी में 5 टॉपिक नोट करके रख देना है बस, और थोड़े शक्तिशाली टॉपिक हो। बगुले के बीच डोलता हुआ हंस, तो हाँ जो भी है एक टॉपिक ले लेना, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, एकांत में जाना, सॉलिट्यूड में। अब उस टॉपिक को बुद्धि में है, ये एक टॉपिक है, फिर क्या करना है, एकांत में चले जाना कहीं पर भी। तीसरी स्टेप, उसके बारे में सोचना चालू करना, क्या है ये, क्योंकि हमने इतना ज्ञान आज तक सुना है सबने कि सबको सब पता है बहुत सारी चीजें। अगर खाली इतनी भी मुरली का हेडिंग पता चल गया, ये मुरली है बेफिक्र बादशाह, कोई भी मुरली को पढ़ने से एकदम कूदना नहीं उसके ऊपर, पहले अव्यक्त तो मुरली का खाली हेडिंग पढ़ के छोड़ देना, एक आधा दिन तो खाली हेडिंग के ऊपर सोचते रहना क्या होगा अंदर, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें पहले ही पता है। तो थर्ड स्टेप है क्या करना है, उसके बारे में सोचना चालू करना है, और जब सोचना रुक जाए उसके बाद में नेक्स्ट उसके बारे में पढ़ना है, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन, क्या क्या उससे संबंधित सूचना है, या आप इंटरनेट का यूज उपयोग कर सकते हैं, थोड़ी जानकारी हासिल करो उसके बारे में क्या है वो, क्योंकि कई सारी बातें भक्ति की होती है, जैसे गुल बकावली, जैसे वो मुख में मुलाहरा, ये सारी बातें आती है। पैसे है तो कहां जाओ, लड़का ना जाओ, घूमने फिरने, गांठ बांध लो, ये गांठ क्यों बांधी जाती है, फिर कौन कौन सी विधि है दूसरी दूसरी जो संसार के लोग करते हैं, अपने आप को याद दिलाने के लिए मारते हैं, चुटकी लेते हैं, गांठ बांधते, फिर ये भूल जाते हैं गांठ बांधी क्यों थी, मुरली में था ना उस दिन, गांठ तो बांधी पर बांधी क्यों थी वही भूल गया, अब गांठ ही दिख रही है बस, बांधी क्यों है वो भूल गया। हमारी पहचान हमने इन सब लेबल से करके रखी है। जैसे एक व्यक्ति एक होटल में जाता है और वो सोने लगता है, फिर उसको चिंता होती है कि उस कमरे में दूसरा भी व्यक्ति है, वो कहता है कि अगर मैं, वो जूते पहन के सोता है, वो कहता है जूते अगर निकाल के सो तो उठने के बाद ऐसा ना हो जाए कि मैं यही भूल जाऊं कि मैं कौन हूं, क्योंकि यहां तुम भी हो। वो कहता है ये कैसा अजीब पागल आ गया यहां, वो कहता है एक काम करो, ये जो है ना एक धागा जिसमें एक ये बलून, वो तुम्हारे पैर को बांध देता, तो जब तुम उठोगे ना तो तुमको पता चलेगा ये तुम ही हो। वो कहते हैं हाँ ये ठीक है, तो वो सो जाता है। फिर वो जो दूसरा होता है रात में उठ के एक खुराफत करता है, उसके निकाल के अपने पैर में बांध देता है। ये सुबह उठ के कहता है अरे मैं कहां हूं, मैं खो गया हूं, मैं कहां हूं।
तो क्या करना है, पढ़ना है उसके बारे में, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल चाहिए चिंतन के लिए। रॉ मटेरियल ही नहीं है तो चिंतन कहां से करेंगे? रॉ मटेरियल चाहिए, कुछ तो रॉ मटेरियल चाहिए ना, जैसे ड्रामा। अब ड्रामा के ऊपर हमको सोचना है। अब ड्रामा संसार में क्या, किसको ड्रामा कहते हैं, उस ड्रामा में क्या क्या होता है, जैसे स्टेज होता है, पर्दा होता है, बैकग्राउंड होते हैं, एक्टर्स होते हैं, कपड़े होते हैं, प्रिपरेशन होती है, कहानी होती है, डायलॉग्स होते हैं, एक एंकर होता है, एक सूत्रधार जिसको कहते हैं, नाटक में सूत्रधार होता है, सूत्रधार होता है, और लाइट्स होते हैं, कैमरामैन होता है अगर हो तो, ये एडिशनल बातें हैं। साउंड सिस्टम होती है, माइक होता है, ऑडियंस होती है, दीवारें होती है, बैकग्राउंड होता है, दीवारें चेंज, बैकग्राउंड चेंज करते हैं, एडवर्टाइजमेंट, वैसे डायरेक्ट, हाँ चलो टीवी वाले नाटक में एडवर्टाइजमेंट जो डायरेक्ट देखा जाता है, तो ये सारी चीजें उसमें होती है। अब इतनी बातें ड्रामा में होती है। अभी ये चिंतन हमने पहले किया, फिर अब इधर के चिंतन के साथ उसको जोड़ना है। तो कहीं चिंतन के लिए एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन चाहिए। सारी मुरली क्या है, कंपैरिजन। भक्ति में ये होता है, इधर तुम ये करते हो, सतयुग में वो था, अब तुम्हारी क्या हालत हो गई, ये सब मैंने तुमको क्या बनाया था, तुम क्या बन गए, कहां गया मेरा दिया हुआ पैसा सारा, गवा दिया, भारत कैसा था, भारत अब कैसे बन गया, ये क्या है, पूरी मुरली इज कॉन्ट्रास्ट, पूरी मुरली अर्थात कॉन्ट्रास्ट। इसके लिए चिंतन के लिए भी क्या चाहिए, एक ही चीज चाहिए, कॉन्ट्रास्ट। कोई भी चीज का चिंतन करना है, जैसे कमाई, तो संसार में लोग कैसे कैसे कमाई करते हैं, पूरी पॉइंट्स लानी है, लॉटरी निकालते हैं, बैंक में डालते हैं, कर्जा लेते हैं, जो 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 करते हैं वो सारा कुछ। पहले संसार का चिंतन और फिर उस चिंतन को ज्ञान के चिंतन के साथ जोड़ना है, तो ही चिंतन होता है। नहीं तो लोग कहते हैं क्या चिंतन करें, हमारा तो चिंतन होता ही नहीं है, हमारा ब्लॉक हो गया है, ज्यादा चिंतन हुए ना हमको, मुरली विली से वो हम लिख सकते हैं, चिंतन की बात हमको मत बताओ, हम कल क्लास में आना बंद, इधर टॉपिक दिया जाता है हम नहीं आएंगे, बंद। आराम से अपना ब्राह्मण जीवन चल रहा था, कहां फंस गए यहां बीच में शाहू भाई सुनने तक ठीक है, बाबा ने तो वही बोला है ना, आत्मसमझ बाप को याद करो, ये सब कहां झंझट में पड़ रहे, आत्मसमझ कितना अच्छा, टाइम वेस्ट, हम नींद नहीं होती है, कितनी एक्सरसाइज रह जाती है, उधर नकी राउंड रह जाता है, मोबाइल में लोगों को मैसेज भेजने होते हैं सुबह सुबह, थॉट फॉर द डे, आज का मोती, वो सब रह जाता है, हैप्पी गुरुवार हैप्पी प्रभु मिलन, हाँ रह जाता है हमारा। तो क्या करना है, पढ़ना है थोड़ा सा, और हमने ये देखा है कि ज्ञान में बहुत लंबा समय चलने के बाद लोगों का पढ़ना बंद हो गया है, पढ़ते हैं खाली मुरली, वो भी दूसरों को सुनाने के लिए, खुद के लिए नहीं, वो भी कारोबार है, ड्यूटी दी है, सुबह सुना दी, काम पूरा हुआ, न सुनने वाले न सुनाने वाले, किसी को भी नहीं पता क्या सुना, भक्ति मार्ग का सत्संग बन चुका है। तो अभी ये नई प्रोसेस उसमें इंक्लूड करनी है, तो क्या करना है फिर उसके बाद में, सोचना, पढ़ना, नेक्स्ट स्टेप है लिखना। अब कुछ कुछ पॉइंट्स आ गए हैं, उसको लिखना चालू कर देना, क्योंकि कई बार ऐसे ऐसे पॉइंट्स आते हैं कि हम लिखे नहीं तो उड़ जाते हो, पंछी है वो चिंतन, कहीं पर भी पॉइंट आया फटाफट लिख के छोड़ दो उसको, बहुत काम आएगा वो पॉइंट, अचानक से कभी कभी एकदम से आकाश से अवतरित होते हैं कोई कोई पॉइंट, और वो उड़ भी जाते हैं, इसके लिए फटाफट टाइप कर दो या लिख लो कहीं ना कहीं, बहुत काम किया है। तो लिखना, उसके बाद में विजुलाइज करना, जो चिंतन किया है उसको क्या करना है, विजुलाइज, जो सुनाना है दूसरों को, जैसे शाम को कोई भाई आ रहा है उसको कोर्स कराना है, तो वही वही विधि से नहीं, सुबह अमृत वेला उसको विजुलाइज करेंगे हम, या उसको इस ढंग से सुना रहे और वो इस ढंग से समझ रहा है कोई भी पॉइंट को, या ज्ञान की सतयुग के बारे में पढ़े उसको पूरा देखना है, पढ़ना नहीं है, शब्द जो है वो चित्र बन जाए, पर लग जाए उनको और उड़े आकाश में शब्द, और उन शब्दों को देखना है फिर चित्र के रूप में, तब कहीं जाके वो चिंतन बहुत शक्तिशाली होगा। उसके बाद में ये सारा जो चिंतन किया है खुद इतनी सारी स्टेप्स करके, उसको याद करने की कोशिश करना है थोड़े समय के बाद। अभी चिंतन सुबह किया छोड़ देना, फिर सेवा में बिजी हो गए, दोपहर को या शाम को फिर से याद करने की कोशिश करना, हमने क्या सुनाया था। जैसे खुद हम कई बार
सुबह क्या सुनाया था वो खुद ही याद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस दिन भर इतनी बातें हो गई है, हजार चीजें, कि सुबह क्या सुनाया था वो तो पूरा उड़ गया। खुद ही खुद सुनो क्या सुनाया था, अच्छा ये पॉइंट तो बढ़िया थी, कितनी अच्छे से सुनाई, एकदम अथॉरिटी से, और हमने की तो नहीं कुछ भी, हम खुद ही करना भूल गए। तो अभी फिर से सुनो, खुद ही सुनाया हुआ खुद ही सुनना, और अपने आप को सिखाना। रे मन दूसरों को अच्छा सिखाता है और खुद कुछ नहीं करता है। कुक्कड़ ज्ञानी, दंभी, हिपोक्रिट, आडंबर, इससे बाहर निकलना है। अपने आप को ही समझाना है कि जो दूसरों को सिखा रहे वो खुद ही नहीं कर रहे। दूसरों को सुबह कोर्स में कहता है आत्मा शांत स्वरूप, और सारे दिन भर खुद अशांति में है। दूसरे सुबह सुबह कोर्स कर रहे थे स्ट्रेस मैनेजमेंट का, और दिन भर में स्ट्रेस में है। उसके बाद में डिस्कस करना, जो चिंतन किया है हमने वो किसी और के साथ योग्य व्यक्ति देखकर। और उसके बाद में उस ज्ञान को अप्लाई करना, 9 स्टेप, उस ज्ञान को जो जो हमने सोचा, जो चिंतन किया, उसको अप्लाई करके भी देखना है। खुद अपने ऊपर अप्लाई करना पहले, इससे पहले कि हम दूसरों को कुछ भी बताएं, वो पहले खुद करके देखना है। हाँ ठीक है, दूसरों को हम बता रहे हैं नष्ट मोहा बन जाओ, और खुद 10 लोगों से कॉन्टेक्ट है, आधा आधा घंटा फोन पे बातें चालू है, इससे मोह उससे मोह, दूसरों को हम कुछ कह रहे हैं और खुद कुछ नहीं कर रहे। खुद नष्ट मोह कितना बन गया, नष्ट मोह अर्थात जीरो अटैचमेंट किसी से भी नहीं, जीरो मीन्स जीरो, हाईएस्ट टारगेट फॉर द हाईएस्ट, कहीं किसी से कोई नहीं, कोई है ठीक कोई गया ठीक, कोई जी रहा है ठीक कोई मर गया ठीक, किसको किसको पकड़ के रखे, सबके अपने अपने पार्ट है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है ड्रामा में। तो और लास्ट में फीडबैक लेना है। ये जो चिंतन किया ना, हमको लगा कितना अच्छा है ये चिंतन, बहुत ही बढ़िया जबरदस्त मक्खन है, पर कस्टमर क्या कहते हैं वो भी तो जरूरी है। कस्टमर कहता है एकदम फालतू था, बोगस, रिजेक्टेड, वो भी स्वीकार करना है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को स्वीकार करने की पावर चाहिए, कि हमने जो कहा और जो सोचा, चिंतन किया, मनन किया, डिस्कस किया, और किसी को सुनाया, किसी को जरूरी नहीं सबको पसंद आएगा, जरूरी है ऐसा, बिल्कुल जरूरी नहीं, और आना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, विरोध हो जाना चाहिए, तब तो कहीं जाके हम सोचेंगे अरे नहीं कुछ तो ठीक करना चाहिए। और नहीं तो हाँ, हमने कहा सत्यवचन महाराज, सत्यवचन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कहाँ बहुत अच्छा, विरोध, फीडबैक, निगेटिव फीडबैक, कॉमेंट्स, और जो कॉमेंट्स आते हैं उसको स्वर्ण अक्षरों में लिख के रखना, अच्छा देखो ऐसी बात। तो मंथन से क्या निकलेगा, मक्खन। सो मंथन हमने देखा 16 प्रकार के मक्खन, और ये 10 बातें थी चिंतन कैसे करे उसकी। अच्छा, ओम शांति।